शिव को भी जाना था गाड़ी में। कोजराम दे गया है राजकोट और वस्ता भाई कहाँ गए? वस्ता भाई भी नहीं है तो अभी मैं और वाली बहन है तो थोड़ा सा इस साइड का जो काम है वो खत्म कर देते हैं। टिंग 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 आवाज आ रही है यहाँ पे। परी अच्छा लग रहा है नहीं आगे ना? कोई कोई गाय बैठ गई है, जैसे आपा बैठ गई है, तुलसी बैठ गई है और अभी सबको अंदर लेने का टाइम भी हो गया क्योंकि धूप हो गई है तो अंदर ले लेते हैं सबको। उस साइड में गोरल भी बैठ गई। चलो अंदर आना है ना सबको। हेलो हेलो टीलू आ जाओ। चलो अभी आ जाएगी सारी गाय अंदर। हेलो आ जाओ गोपी 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 ए रॉन्ग जगह। आज सब जा रहे हैं गलत जगह पे, ऐसे क्यों? आपा को निकालना पड़ेगा। इस साइड का तो सबको पता है, तुलसी को भी पता है कहाँ पे जाना है, गोरल बेगड़ को भी पता है कौन सी जगह है। अब चलो चलो चलो। परी को परफेक्ट हो रहा है, बेगड़ को थोड़ा बड़ा हो रहा है। ए आबा उस साइड जाओ अपने घर में। आबा का सबसे बड़ा बेल्ट है क्योंकि वो खुद इतनी मोटी है कि उसको इसके हिसाब से चाहिए। यहाँ मोती रावर हो तो वाटर टैंक जो है मोती भर लेते हैं सारा दोनों साइड का। मैं जा रही हूँ ओम को लेने के लिए स्कूल से। दोपहर के 1 बज गए। देखो अभी इतनी गर्मी है तो सारी बफेलोज है अंदर वहाँ पे, देखा? तो रामदेव आज गया है राजकोट, में गई थी ओम को लेने के लिए और रास्ते में से वेजिटेबल्स फ्रूट्स शॉपिंग भी कर लिया है और शिव अभी सो रहा होगा और हमें दिख रहा है हमारा होम स्वीट होम। हम आ गए घर। यस यस यस। खेत में पानी भी चल रहा है मूंगफली में। अभी लड्डू बनाए आजकल तो सुबह शाम जब भी इमरजेंसी में लड्डू खाना होता है शिव का। शिव उठ गया जल्दी उठ गया। तो यहाँ पे अभी हम नया माइक लेके आए हैं ताकि आप लोगों को जो कभी कभी बहुत विंड की आवाज आती है वो ना आए, क्लियर आवाज सुनाई दे। शिव कुछ बातें करो अभी। चलो शिव बातें करो। बातू कर। चलो और ये इसको दबाते हैं तो फिर ग्रीन लाइट होती है, उसका मतलब नॉइज रिडक्शन चालू। मुझे नॉइज रिडक्शन नहीं करना, नॉर्मल रखो। ओके तो मुझे दा जी जी बेबी लो लबा दी दे दे दा पी लो 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 दा लबम अपन जी लो लो दा। अभी ना ओम की एग्ज़ाम तो आज फिनिश हो गई है, ख़त्म हो गई है और ओम की एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी गई है। आज मैथ्स का पेपर था तो वो भी बहुत अच्छा गया है। अभी आजकल ना ओम ने एक नई चीज़ ट्राई की है, जहाँ पे भी हम जाते हैं मतलब पड़ोस में जाते हैं, कहीं रिलेटिव्स में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं ना, वो कुछ ना कुछ मैथ्स के नए क्वेश्चन पूछता रहता है, थोड़े से डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन या सम्स पूछता है और फिर खुद ही बहुत ही जल्दी आंसर दे देता है। तो सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ओम पेन पेपर के बिना, कैलकुलेटर के बिना बहुत ही फास्ट आंसर दे देता है। तो फिर मेरी सिस्टर ने पूछा कि आजकल ओम इतना मैथ्स में पावरफुल कैसे हो गया, इतने जल्दी जल्दी आंसर सब कुछ कैसे सोल्व कर सकता है। तो मैंने मेरी सिस्टर को बताया कि ओम ने भांजो क्लासेस स्टार्ट किए हैं ना, इसके बाद ओम मैथ्स में बहुत कॉन्फिडेंट हो गया है, वो एंजॉय भी करता है मैथ्स और एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और आई एम श्योर कि आप सभी लोगों को भी पता है कि भांजो क्लासेस क्या है। और अभी अभी ओम की एग्ज़ाम ख़त्म हुई और इस बार ना ओम ने मैथ्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया क्योंकि ओम भांजो क्लासेस अभी ऑलमोस्ट 1 साल हो गए, 1 साल कम्प्लीट हो गया ओम भांजो क्लासेस
रेगुलरली ज्वाइन करता है और ओम को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स भी है ना वो भी बहुत फ्रेंडली और बहुत ही क्रिएटिव वेज में मतलब स्माइली देते हैं, स्टार्स देते हैं, तो बच्चों को ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ बर्डन नहीं लगता, वो बहुत हैप्पीली एज अ गेम वो कैसे पूरा क्लास ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। और आपके लिए ना जो टाइम सही है आप उस हिसाब से क्लास को शेड्यूल कर सकते हो, फिर USA से है, कनाडा से है, कहीं से भी हो आप, अगर आपको भांजू क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो आपको टाइम का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओम का जो ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं भांजू क्लासेस, तो वो भी क्लास स्टार्ट होगा तो वो कर लेते क्योंकि यहाँ से सभी जगह जाना दूर होता है, तो ये बहुत ईजी वे में होता है घर पर। ओम रेडी आ जा, चलो रोबोट दिखाना है मैम को तो फिर दिखा देना, ठीक है? Math exam, okay? How did it go? Good. Good. Okay. और ये जो भांजू क्लासेस है ना ये इंटरनेशनल मैथ्स जीनियस ने क्रिएट किया है, नीलकंठ भानु ने। और नीलकंठ भानु है वो 50 टाइम्स वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है क्योंकि वो बच्चों को अलग अलग टेक्निक्स जो सीक्रेट टेक्निक्स होते हैं उससे सिखाते हैं और बच्चे मैथ्स में बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। Perfect. Thank you so much, Om, for joining. It was a really nice time spent with you, and you are really great. Say thank you. Okay? Thank you. So thank you so much. Bye-bye. Bye. और हम भांजू के साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, ओम बहुत टाइम से क्लासेस ले रहा है, तो हमारे लिए और हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक गुड न्यूज़ है कि हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री डेमो क्लास भी है और साथ साथ में अगर आपको पूरा एंटायर कोर्स करना है तो उसमें भी जो फर्स्ट 200 मेंबर्स होंगे उसको 30% एंटायर क्लास में डिस्काउंट मिलेगा, जो बहुत ही अच्छा डिस्काउंट है। और मैं सभी लोगों को रेकमेंड करती हूँ कि जो फ्री डेमो क्लास है वो आप सब लोग लीजिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। But how was your class? अच्छा लगा? हाँ। और ये हमारा साथ साथ में वीडियो टेस्ट भी हो रहा है इसके लिए, है ना? अभी शिव को खिलाना है खाना। चला। अभी सारी गायों का बाहर आने का काम है। आ जाओ। गोपी। आगा। एक एक करके आ रही है अभी। पर किसी का निकला नहीं, अभी सबका है। मीरा। मीरा। हेलो मेरा आड़े उभी है। चलो चलो हेलो हेलो नीमा वाली ना क्या हाँ बा एक वाइट की एक सेट नहीं मगोटा फिर उस सेट की। अभी सडनली प्लान हुआ, पूजा है कल और फिर चली जाएगी, तो इसलिए हम चक्कर लगा के आते हैं घर पे। शिव पीछे है, इस साइड ओम होगा। मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, कुछ दिख नहीं रहा है। ओम तो नहीं लग रहा है शायद। ओके। और इस साइड शिव भी है, शिव ने नए कपड़े पहन लिए हैं। शिव वाला खुमा माने के कहाँ है? मोई। और यहाँ पे मेरा लेगो वो बहुत सोया हुआ है। शिव हम आ गए लखू मामा के घर। लखू मामा के घर सब काम में है, पूजा के सिवा कोई नहीं दिख रहा अभी। ठीक है, पूजा तो फोटो पा रही है। कहाँ फोटो खींच रही है? ये रही। ओ, पूजा तो वहाँ पे। जगदेवी क्या नाम है? जटायु कौन सा है? जटायु। जटायु कौन सा है? हम तोरी है और एक जटायु है। ज्योति फोन की दत्रा तावियो नाम है बेटा। पूजा से मिलने आए स्पेशल, शायद किसी को नहीं पता है कि हम आए हैं ना। बहुत सत्य से इतना ही कर आवाज रही है, मजा आवे। पासू करो लख मन के पासू कर। मेरी जॉब ये है क्योंकि मुझे लगा शिव को मजा आएगा, तो झूला यहाँ पे बंधा हुआ है बहुत टाइम पहले बंधा हुआ था तो जब हम हाँ रुकने के लिए आए। मम्मी बोले ही नहीं, हम रे अपने में बड़ बड़ गई हूँ तो अब आए अवन मन क्या मौवा चाहे मस्ती ना कर प्लीज। तो अभी शिव बोल रहा है मुझे कि झूला झूला और मैं यहाँ पे बैठू ऐसे ना शिव ऐसे ना देखो मजा आ रहा है शिव को यहाँ पे। और ये बहुत बड़ा पेड़ है, बनियन ट्री है ना ये?
शिव, लेकिन कुछ अलग टाइप का बनियन ट्री है। शिव, चलो पूजा थोड़ा सा खेत में चक्कर लगाने जाए, लेकिन शिव के पास कौन रहेगा? अभी मम्मी पापा सब बैठे हुए दूसरी साइड में। शिव रेवा दे, के रेवा दे भाई, ओम भाई गई तो मैं वहां वहां हूं कोई। शिव हेलो, अपनी मां मोर लो जवा जाऊं, चलो मोर देखने जाते हैं थोड़ा सा खेत में। अगली बार आए थे तब खेत में चक्कर भी लगाने नहीं पहुंच पाए थे, चलो आज जाते हैं, ठीक है शिव? चलो, आज कुछ प्लान नहीं था, पूजा को चले जाना है कल, पूजा की एग्जाम है, रीडिंग टाइम है, तो पूजा को ऑल द बेस्ट। ओ मां तू नहीं पूगे है ये खाली जटायु और तोरी इस साइड में है, भाभी एज यूजुअल क्लीनिंग कर रहे हैं, जो करना पड़ता है भाभी को कंपलसरी है, जो मुझे और पूजा को इतना कंपलसरी नहीं लगता है। मैंने तो आज काम किया है बहुत। क्या किया? घर का सारा किया है। क्या किया है सारा, मतलब झाड़ू, फिर फिर क्या पानी भरा, फिर बर्तन धोए, फिर गायों को पानी पिलाया, बछड़ियों को, छोटी छोटियों को। इसमें कितना सही है भाभी। फिर वीडियो उतारने गई थी, फिर पढ़ रही थी, पढ़ने आई हूँ। चलो, और यहाँ पे कुछ तोरी के लिए स्पेशल निकल गया शायद वो है। नहीं निकलेगा। ग्रूमिंग कर दिया स्पेशल, लेकिन मैंने उसको कर दिया ना, उतनी देर खड़ी रही, फिर भागने लगी दूर दूर मुझसे, कि ये तो मेरे को बना रही है। देखो फूल लगे हुए अभी भी। हाँ वाह, क्या डिजाइन बनाई है पूजा ने, अच्छी अच्छी डिजाइन बनती है ससी जो तो तोरी का तोरी। और पूजा ने कुछ नया टैटू भी बनवाया, दिखाओ। आजकल जब आती है ना अहमदाबाद से, एक टैटू बनवा के आती है, दिखाओ अच्छे से सेट। लास्ट टाइम कुछ और बनवाया था, अभी निकालो टैटू दिखाओ। हाँ अब दिख रहे, अभी सब मजाक कर रहे हैं इसके लिए, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को अच्छा लगता है ना, ठीक हमें खुद को अच्छा लगना चाहिए। पूजा पकड़ एक मिनट, तोरी तोरी कुछ याद है? ए तोरी कैसी तरह पहले तोरी, ए तोरी तोरी। शिव हम झूले पे बैठ गए तो शिव को, शिव बोल रहे कि मेरे को बैठना है। हाँ ओके, भाई की गोदी में बैठ जाओ, बैठना है तो वो अच्छा आइडिया। रोबोट मुझे दे दो। ठीक, पहले रोबोट तो दे दो। शिव आना पास मारो वारो है, ये पास ही तारो वारो है। मुझे भी बैठना है, लेकिन बच्चे हमें चांस देंगे नहीं आज। रुको रुको रुको, हम भी बच्चे ही तो है। डीए वन डी आपा कई आपा कई हेलो ओए आई पग रखो जी रखो या खले गो शिव को ना होटल लेके बैठना है। हां ये मामा के घर झूले में मजा आ रहा है। करण पानी पूरी खिला, वो तो मन नहीं कब होता है। तुम्हें खानी है पानी पूरी? मेरे को पानी पूरी नहीं खानी, मेरे को भेल खानी। जा करण, तू कुछ भी लेके आ, जाइए तो सीन नहीं मुके गई, जल्दी लेके जाओ। के टाइम में पॉजिटिविटी, ओ स्प्रे मेरे को लगा स्पाइडर। नहीं, मेरे पास ऑलवेज पॉजिटिव मैसेज ही होते हैं, कुछ ना कुछ कलर अच्छा लग रहा है। गाइस इसमें टाइम लगेगा अभी तो। इस साइड कितने टाइम से नहीं आए, जब मैंगोज होती है तब ये साइड का बहुत ही अच्छा, तो ये साइड फेमस हो जाती है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते। काशी मी कहां भेजो, एक कौन से सी मोर दिखा है, शिव मोर दिखा। चलो आ जाओ टाइगर, चलो धीरे धीरे इठो जो जा, सेफली पहुंचा दी आपके बेटे को मैंने। चलो तुम पूजा, जब इतनी एज की थी पूजा जब तुम थी ना, मैंने एक बहुत ही बुरी आदत डाली थी तुमको, रोज जब स्कूल से आती हूँ चॉकलेट लेके आती हूँ, तो जब स्कूल से आती हूँ ना सीधा पूजा, इससे तो बहुत डबल हेल्दी थी, सीधा दौड़ के आती है बाबू बाबू मतलब वो बाबू बुलाती थी, मेरा पहला नाम जो सीखा था पूजा ने कोई वर्ड तो वो बाबू था, बाबू।
पता नहीं कहाँ से सीखा था। और फिर ना हाँ, मैं और करण छोटे छोटे थे और आप जब यूके थे ना तो रामदेव मामा भी जब आते थे ना हाँ। तो किटकेट लेके आते थे जब भी आए किटकेट लेके आते थे क्योंकि क्योंकि पहले चॉकलेट बहुत खाती थी। ये करण को मैंने नहीं खाया, इसका बचपन मुझे याद नहीं है क्योंकि करण का जन्म हुआ उसके बाद मैं हॉस्टल में चली गई तो मुझे याद नहीं। बाकी पूजा को मैंने बहुत अच्छे से बड़ा किया है और शिव की एज की थी क्योंकि जब हमारी शादी हुई ना तब करण शिव से थोड़ा बड़ा था, 2-2.5 साल का। मुझे पता नहीं। तुमको नहीं याद होगा। चलो चाहे खेत में इस साइड पूरा चक्कर लगा के जाते हैं। कितने टाइम से मैं नहीं गई। लखू भाई के खेत के चारों तरफ बॉर्डर में बाकी दे देता यहाँ से पूरा वहाँ तक ये टाइगर की कोकोनट ट्रीज लगे हुए मुरलो देखा है सोता है। और मम्मी इसके पीछे बहुत मेहनत भी करते क्योंकि पेड़ लगाते हैं ना तो इसके पीछे पूरा बोलो तो मेहनत भी जरूरी होता है। ये देखो कितने बड़े बड़े हो गए सारे। आगम चलो यहाँ से जाते हैं अभी इस साइड से। चलो लखू मामू काम करे। चलो जुवानी आ मामू लखू मामा दवाई छटकाव कर रहे। आ जाओ बच्चो चलो मोरला देखने जाते हैं ठीक है। इस साइड भी कोई मोर हमें मिल जाए। के कैसी यूनु है पनाता बेवा दे तुम रोता है बाबा उड़े हो हाँ नहीं ती ताई नहीं तुम भाग जा ट्रैक्टर सीव का है सीव जावा दे हो ट्रैक्टर पीपी ओह है बस तो दरु सालू करूं हम अभी पापी कर रहे पूरा काम गायों का जो स्टार्ट होगा। डिंपल्स की बात हो रही। मम्मी बोल रही कि अगर लड़की को पढ़े तो वो पापा को ज्यादा लाडली होती है और लड़के को पढ़े तो मम्मी को होता है। तो मैं तो बोले मैं तो किसी की लाडली ही नहीं हूँ, मेरे को पढ़ ही नहीं रहे। शिव को भी नहीं पढ़ते डिंपल्स, ओम को पढ़ते हैं। शिव हम दोनों एक ग्रुप में है कोई बात नहीं वी कैन एडजस्ट। रामदेव गया राजकोट जो थार की थर्ड कोटिंग है तो पूरी अभी हमारी कार हो जाएगी। अमीन आई है पूछो आ जाओ। थर्ड कोटिंग करवाने के लिए गया है तो रामदेव आज रुक जाएगा कल आएगा वापस घर। यहाँ से ज्यादा नीचे नहीं जाना गिर सकते पानी में। हम तो उतना रिस्क ही नहीं लेते इधर 2 कदम दूर ही रहने का। थोड़ा सा हमें टाइम मिला है। चल मेरी बारी अब क्योंकि शिव आएगा तो किसी को नहीं बैठने देगा अभी। हाँ धीरे धीरे का इसको फूल तो अंदर गिराई जाए भेगो कर इसका है। हाँ ईज इसका है ना करता अंदर गिरी जाए आई मजा आवे। हूँ ईज ही सकती थी। यस फिर इसमें ना नीचे पैर नहीं टच करना पड़ता सिर्फ अपने बॉडी के वजन से ऊपर नीचे होते रहते। हूँ तो मौन होते चाहिए। पापा बहुत मेहनत कर रहे खेतों में तो तुम मेहनत करो पढ़ाई में और अपने पापा का नाम ऊंचा करो। अभी पानी पूरी और भेड़ खाई है और अभी हम निकलने वाले हैं। तो पानी जो जो घेर बनावी है नहीं पानी पूरी मस्त अपनी पूजा खबर एक फिर बनावी थी। हां हां बनी थी अभी घर जाने का टाइम है। पूजा को भाई पूजा पूजा से सब कनेक्ट एक फिर सारा कर ले तो कर दे ओए आज एक दी देखा ना तेरी पास अतन भाई भाई कहते राम राम मिले तो दे राम राम मिले बोले बोले ना पुकाई को दे पास रे तो भाई चाय वा पातो हां हां वा मुके जाए मुके से गाड़ी में भाई भाई लखू भाई मम्मी
ए ओम हाले खावा खावा खा रे भाई बाबे तू सिंह ना कौन देखे सिंह सिंह देखे सिंह ओम कहते ओम बाय बाय